संसद में जारी बजट सत्र के दूसरे चरण का आज सातवां दिन है। आज भी हंगामे के आसार हैं। छठे दिन भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक स्थगित की गई और फिर अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही हंगामे और नारेबाजी के साथ शुरू हुई। लोकसभा में सत्ता पक्ष की ओर से राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाए जाने लगे, तो वहीं विपक्षी सदस्य भी नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। शोर कम नहीं हुआ तो सदन की कार्यवाही आज सुबह तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सोमवार को राहुल गांधी ने वायनाड से पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी या आरएसएस पर हमला किसी भी तरह से भारत पर हमला नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम बीजेपी और आरएसएस के मन में भ्रम की स्थिति है। वो इस धारणा के तहत है कि वो भारत है, पीएम भारतीय है लेकिन भारत नहीं। किसी भी तरह से पीएम बीजेपी या आरएसएस पर हमले का भारत पर हमला नहीं माना जाता, लेकिन भारत की स्वतंत्र संस्थाओं पर हमला करके वो भारत पर हमला कर रहे हैं और मैं ये कहना बंद नहीं करूंगा। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत को 2023-2024 के लिए आज सुबह 11 बजे बजट पेश करना था, लेकिन दिल्ली सरकार की माने तो गृह मंत्रालय की तरफ से अब तक बजट को अप्रूवल नहीं मिला है। दिल्ली के बजट को केंद्र सरकार की मंजूरी होती है, इसके बाद उसे सदन में पेश किया जाता है। वहीं इसको लेकर सीएम केजरीवाल ने निशाना साधा और कहा कि ये सीधे सीधे गुंडागर्दी चल रही है। वहीं सूत्रों से पता चला है कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि बजट आवंटन बुनियादी ढांचा और क्षेत्र के बजाय विज्ञापन पर केंद्रित था। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके मद्देनजर आज पीएम ने अपने आवास पर एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें गुजरात के सभी सांसद शामिल होंगे। पीएम के साथ सांसदों की ये बैठक आज शाम 6:30 बजे पीएम आवास पर होगी, जिसमें गुजरात के सभी सांसदों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ये बैठक की जा रही है। पंजाब में पीएम के दौरे में लापरवाही के आरोप में पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले में अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में गठित कमेटी ने इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है, जिसमें उस समय के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, डीआईजी इंदरबीर सिंह, फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस शामिल हैं। तो वहीं कई पुलिस अधिकारियों से एक्सप्लेनेशन मांगा गया है, जबकि उस समय के चीफ सेक्रेटरी का इस पत्र में कोई जिक्र नहीं है। ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी और बीआरएस सांसद के कविता को आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। के कविता को आज सुबह 11 बजे फिर से ईडी के दफ्तर में पेश होना है। इससे पहले के कविता से सोमवार को ईडी ने मैराथन पूछताछ की। के कविता से करीब 10 घंटे तक सवालों के जवाब मांगे गए। भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता से दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की जा रही है। के कविता सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे ईडी ऑफिस पहुंची थी और उनसे तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद के कविता को छुट्टी मिली। राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल गहलोत सरकार कभी भी पेश कर सकती है। इस बीच निजी अस्पतालों के डॉक्टर और सरकार के बीच तनातनी जारी है और आर पार की लड़ाई का डॉक्टर ऐलान कर चुके हैं। सोमवार को विधानसभा घेराव करने जा रहे डॉक्टर्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये डॉक्टर्स राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हैं। राजस्थान के डॉक्टर्स जयपुर में जमा है और आज भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हुए आंदोलन करेंगे। इसे लेकर विधानसभा में भी आज विपक्ष सरकार को घेरेगा। बिजली कर्मचारियों के बाद अब यूपी उत्तराखंड में भी सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं। लखनऊ में 2:30 बजे प्रदर्शन होगा, तो वहीं उत्तराखंड में कर्मचारी रैली निकालेंगे, जिसमें रेलवे, परिवहन, डाक, आयकर, पासपोर्ट, आकाशवाणी, दूरदर्शन सहित कई विभागों को साथ लेकर राज्य कर्मचारी संगठन शामिल हैं। मॉनसून सत्र तक हर महीने 21 तारीख को देश में जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा। 21 जून को प्रदेश सरकार का घेराव भी किया जाएगा। आज प्रदेश व्यापी जिला स्तर प्रदर्शन किया जाएगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी उड़ीसा के दौरे पर है, जहां उनकी बीजू जनता दल अध्यक्ष और सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की संभावना है। ममता बनर्जी 22 मार्च को पुरी जाएंगे और वहां जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और 23 मार्च को भुवनेश्वर से कोलकाता वापसी की फ्लाइट लेने से पहले तृणमूल सूत्रों ने कहा है कि उनकी नवीन पटनायक से मुलाकात की संभावना है। बता दें, ममता का ये दौरा 2024 के लक्ष्य के साथ तीसरा मोर्चा बनाने का काम शुरू हो गया है। यूपी के डीजीपी डीएस चौहान ने मुफ्त में रेल यात्रा करने वाले पुलिसकर्मियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि रेल यात्रा के नियमों का उल्लंघन और रेल कर्मियों के साथ बदसलूकी करने पर विधिक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी की तरफ से निर्देश में कहा गया है कि रेल में लाखों देशवासियों के अलावा विदेशी भी यात्रा करते हैं। यदि वर्दीधारी पुलिस यात्रा के दौरान कोई अनुचित आचरण करता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से इसका संदेश कम समय में लाखों लोगों तक पहुंचता है, जिससे शासन और प्रशासन विभाग की छवि पर गलत प्रभाव पड़ता है।
तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो बनाने के आरोपी यूट्यूबर मनीष कश्यप को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में बिहार पुलिस के एडीजी जेएस गंगवार ने कहा है कि मनीष कश्यप से अभी ईओयू को और पूछताछ करनी है, इसलिए कोर्ट से उसे रिमांड देने की मांग की गई। क्या तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को अपने साथ लेकर जाएगी, इस पर गंगवार ने कहा कि ट्रांजिट रिमांड का आवेदन दिया है, अब कोर्ट जो आदेश देगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आज कोर्ट रिमांड पर कोई फैसला दे सकता है। महाराष्ट्र के जलगांव से दुखद घटना सामने आई है, जहां 40 गांव शहर में एक कंपनी परिसर में कंपाउंड की दीवार ढहने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल कंपनी में नाला सफाई का काम चल रहा था, इस दौरान ब्रेकर मशीन का भी उपयोग किया जा रहा था, तभी अचानक कंपाउंड की दीवार ढह गई, जिसकी चपेट में वहां काम कर रहे मजदूर आ गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के जलगांव से दुखद घटना सामने आई है, जहां 40 गांव शहर में एक कंपनी परिसर में कंपाउंड की दीवार ढहने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल कंपनी में नाला सफाई का काम चल रहा था, इस दौरान ब्रेकर मशीन का भी उपयोग किया जा रहा था, तभी अचानक कंपाउंड की दीवार ढह गई, जिसकी चपेट में वहां काम कर रहे मजदूर आ गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। राजस्थान के नागौर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक की नाक को काटा गया है। वहीं इससे घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले के सामने आते ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है पीड़ित युवक एक युवती को भगा कर ले गया था, इसी से नाराज होकर लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। दक्षिण बंगाल सीमांत के बीएसएफ जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बीएसएफ जवानों ने तस्करों से 4 एशियन स्मॉल जीवों को आजाद करवाया है। दरअसल 54वीं वाहिनी की सीमा चौकी कादिरपुर के जवानों ने पुख्ता खबर के आधार पर इलाके में एक तलाशी अभियान चलाया। वहीं जवानों ने देखा कि कुछ तस्कर बांग्लादेश से भारतीय सीमा की तरफ आ रहे हैं। हालांकि जवानों को देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर वापस बांग्लादेश की तरफ तस्कर भाग गए। वहीं मौके पर पहुंचकर बीएसएफ जवानों को लोहे के पिंजरे के साथ 4 एशियन स्मॉल जीव मिले हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेला जा रहा है। पहले मैच में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब रही थी, लेकिन दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वापसी करते हुए टीम इंडिया को 10 विकेट से हरा दिया। अब रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया के पास सीरीज बचाने की चुनौती है। अब दोनों ही टीमों के बीच इस सीरीज का निर्णायक मुकाबला 22 मार्च को चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले को जीतकर दोनों टीमें सीरीज को अपने नाम करना चाहेंगी।